किसान भाइयों नमस्कार, मैं सूर्यकांत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे खासकर खरीफ 2023 के लिए मार्केट के 5 टॉप कीटनाशक के बारे में। जी हां, आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 5 कीटनाशक के नाम, उनका कंटेंट, वो किसके लिए अनुशंसित है, कौन से फसल के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी मात्रा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसलिए आप खरीफ के मौसम में कौन सी भी खेती करते हो तो भी आपके लिए ये वाला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरी आपसे एक राय है, एक सुझाव है कि किसान भाइयों ये वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो के आखिर में आपके सुझाव नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है धानुका कंपनी का सुपर डी कीटनाशक। इसमें आपको क्लोरोपाइरीफॉस 50% और साइपरमेथ्रिन 5% मिलता है इसी फॉर्मूलेशन में। किन फसलों के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो? कपास, धान, सब्जियां, सोयाबीन, मूंग, अरहर और मक्का। और अगर कीटों की बात करें तो किसान भाइयों, अभी जो मैंने आपको फसलें बताई उन फसलों के ऊपर आने वाले माहू, तेला, सफ़ेद मक्की, डोंडे की सुंडी, तना छेदक, पत्ता मोड़क, गुलाबी सुंडी, सफ़ेद लट और दीमक आदि कीटों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग की मात्रा अगर देखें तो 1 लीटर पानी के लिए 2.5 ml है, एक पंप यानी 15 लीटर पानी के लिए 40 ml है। अगर आपको 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करना है तो 150 से लेकर 200 लीटर पानी में आप इसका इस्तेमाल 400 ml कर सकते हो। अब आपको इसका वैल्यू भी यानी मूल्य भी बता देता हूँ। आपको 1 लीटर सुपर डी का बॉटल मार्केट में लगभग 900 से लेकर 950 रुपये के बीच में मिल सकता है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं सिंजेंटा कंपनी के अलिका कीटनाशक की। अब इसमें हमें 2 अलग अलग मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक तो है लामडा साइलोथ्रिन जो आता है 9.5% में और दूसरा आता है थायमेटाग्जाम जो आता है 12.6% में और इसका फॉर्मूलेशन है ZC। फसल की बात करें तो मिर्च, धान, कपास और सब्जियां, इनके ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और कीटों के अगर नाम देखे, माहू, फल छेदक, ग्रीन लीफ हॉपर, तना छेदक, मौत और सफेद मक्की आदि कीटों के नियंत्रण के लिए आप सिंजेंटा के अलिका कीटनाशक का इस्तेमाल अवश्य कर सकते हो। उपयोग की मात्रा अगर देखें तो किसान भाइयों 1 लीटर पानी के लिए 0.5 ml अलिका लेना है, 15 लीटर यानी एक पंप के लिए आपको 8 ml की मात्रा लेनी है। अगर 1 एकड़ के लिए छिड़काव करना है तो 80 ml अलिका आपको 1 एकड़ फसल के लिए छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। चलिए जाते जाते इसका मूल्य भी बता देते हैं। 1 लीटर अलिका की बॉटल की आपको 2000 से लेकर 2200 रुपये खर्च करने आवश्यक है। चलिए अब तीसरे कीटनाशक की बात करते हैं जिसका नाम है UPL कंपनी का उलाला कीटनाशक। इसमें हमें फ्लोनिकामाइड 50% WG फॉर्मुलेशन में मिलता है। इसका भी उपयोग आप मिर्च, धान, कपास और अलग अलग जो सब्जियां हैं उसके ऊपर कर सकते हो। कीटों की बात करें तो सफ़ेद मक्की, हरा तेला, माहू और थ्रिप्स आदि कीटों के नियंत्रण के लिए आप इसका इस्तेमाल अवश्य कर सकते हो। उपयोग की बात करें तो 1 लीटर पानी के लिए आपको 0.4 ग्राम उलाले लेना है, 15 लीटर यानी एक पंप की बात करें तो 6 ग्राम उलाला लेना है। अगर हम बात करें 1 एकड़ की यानी 150 से लेकर 200 लीटर पानी में आपको 60 ग्राम उलाला की मात्रा लेनी है। मार्केट में आपको 60 ग्राम उलाला 550 से लेकर 600 रुपये के आसपास मिल सकता है। बात करते हैं चौथे नंबर की कीटनाशक की जो आता है बायर कंपनी का, नाम है ओबेरॉन। इसमें हमें स्पायरोमेसिफेन मॉलिक्यूल मिलता है जिसका उपयोग आप बैंगन, सेब, कपास, मिर्च, भिंडी, टमाटर और अलग अलग सब्जियों के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओबेरॉन हमें किस कीट के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करना है? लाल मकड़ी, पीली मकड़ी और सफ़ेद मक्की अगर आपके फसल के ऊपर है तो आपको अवश्य ओबेरॉन का इस्तेमाल करना जरूरी है। उपयोग की मात्रा की बात करें तो 1 ml 1 लीटर पानी के लिए 1 ml, 15 लीटर यानी एक पंप के लिए 15 ml और 1 एकड़ के लिए आपको लगभग 150 ml ओबेरॉन की मात्रा लेनी आवश्यक है। मार्केट में आपको 200 ml ओबेरॉन की प्राइस लगभग 1250 से लेकर 1300 के आसपास मिल सकती है। चलिए अब पांचवें नंबर पे फटाफट देख लेते हैं कि कौन सा कीटनाशक है। पांचवें नंबर पे आता है बायर कंपनी का वेलम प्राइम। ये एक निमेटिसाइड है जिसमें हमें फ्लियोपीरम 34.48% SC फॉर्मुलेशन में मिलता है। इसका उपयोग कंपनी की तरफ से अनुशंसित है टमाटर के लिए, लेकिन कई सारे किसान इसको अलग अलग सब्जियों में भी इस्तेमाल करते हैं। यह फसल के जड़ों के ऊपर आने वाले अलग अलग यानी रूट नॉट निमेटोड को नियंत्रित करता है।
उपयोग की मात्रा अगर देखें तो 1 लीटर पानी के लिए 2 ml, 15 लीटर यानी एक पंप के लिए 30 ml और 1 एकड़ के लिए आपको 300 ml वेलम प्राइम का ड्रेंचिंग करना आवश्यक है। मार्केट में इसका प्राइस देखें तो किसान भाइयों थोड़ा सा महंगा है, 500 ml वेलम प्राइम आपको 4000 से लेके 4100 रुपए के आसपास जा सकता है। चलिए किसान भाइयों ये थी जानकारी खरीफ 2023 के टॉप 5 कीटनाशक के बारे में। जानकारी इसलिए बताई कि ताकि आपको नए नए मॉलिक्यूल पता चले, उसका कंटेंट पता चले, उसका अनुशंसित कीट और रोगों के नाम पता चले और उपयोग की मात्रा पता चले। इससे होगा कि क्या कि आप और बेहतर तरीके से इसको अपनी फसल में इस्तेमाल कर सकते हो और कम खर्च में कम लॉस में अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। वीडियो जानकारी अगर आपको सच में पसंद आई हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि किसान भाइयों वीडियो को लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अगर आप अभी तक आपने भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साइड वाले बेल आइकॉन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि किसान भाइयों शुरुआती अवस्था में आपका ये छोटा सा सपोर्ट भी हमें बहुत मायने रखता है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।